नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको रवा अप्पम की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये रेसिपी हमसे कमेंट में बंसम गुप्ता जी ने मांगी है, तो आपको अप्पम बताने वाली हूँ। ये बगैर सांचे के बताने वाली हूँ। अगर आपके पास में सांचा है तो आप सांचे में बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में सांचा नहीं है तो आप बगैर सांचे के भी अप्पम बना सकते हैं। तो आपके इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ, बगैर सांचे के अप्पम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमसे कमेंट में मांगा हुआ है। कमेंट में जिन्होंने मांगा है उनका नाम है प्रियंका जी व अर्पित बंसल जी। तो आइए आज बनाते हैं बगैर सांचे के अप्पम। मैंने 1 कप सूजी ली है, इसको और रवा भी बोलते हैं, तो सूजी और रवा एक बात है। तो मैंने 1 कप ली है और 1 कप के साथ ही मैंने 1 कप दही लिया है और कुछ मैंने मटर लिए हैं और आधा मैंने शिमला मिर्ची ली है, कुछ मैंने पालक ली है, 1 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिए हैं, कुछ हरा धनिया लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है। तो हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज नहीं डालें। और ये मैंने इनो लिया है, किचन किंग लिया है। किचन किंग अगर आपके पास में नहीं है तो आप गरम मसाला भी ले सकते हैं। नमक लेंगे सफ़ेद वाला, जीरा, राई, तेल लेंगे, तेल आप जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं। अलावा आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे गाजर या गोभी, जो भी आपके पास में सब्जी है वो आप डाल सकते हैं। जिस मौसम में जो सब्जी आती है वो डाल के हम अपम बना सकते हैं। सब्जियां काट लेंगे, टमाटर का हम छिलका हटा देंगे, फिर कटिंग करेंगे। सब्जियां कटिंग कर ली है। सूजी लेंगे, सूजी को छान लेंगे, दही डालेंगे, मिला देंगे। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैं नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना आप खाते हैं, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम सब्जियाँ डालेंगे, मटर, धनिया, पालक और टमाटर डाल रही हूँ। इन सबको मिला देंगे, अच्छे से मिला देना है सब्जियों को। आप ध्यान रखें सब्जियां ज़्यादा नहीं लें, रवा ज़्यादा लें, उससे कम सब्जियां लें, अच्छे से मिला देना है। और इसमें मैंने शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची और प्याज नहीं डाले हैं। अभी हम हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, 1 चम्मच, ये 2 चम्मच। घोल को ज़्यादा, बिल्कुल पतला भी नहीं करना, बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना कि रोटी जैसा हो जाए, बीच का रखना है हमें। घोल को अच्छे से मिला देना है। पानी की ज़रूरत अगर ज़्यादा बाद में पड़ेगी तो हम और डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स करके। और आधा घंटे के लिए घोल को रख देंगे। आधा घंटे के लिए हमने घोल को रख दिया है। जब तक हमारा घोल तैयार हो जाएगा तब तक हम जुगाड़ विधि से सांचा बना लेंगे, और वो भी मैं आपको 2 विधि से बताने वाली हूँ। तो आप कृपया करके वीडियो पूरा देखें। मैंने ये एक पत्ता गोभी का फूल लिया है, जो कि मैंने धो लिया। ऊपर से जो शुरुआती पत्ते हैं उनको हटा देंगे और यहाँ से ये जो डंठल है वो कटिंग करेंगे। वहाँ तक कटिंग कर देना है ताकि ये हमारा
हमारे जो पत्ते हैं वो आसानी से निकल सके। तो इतना हमें डंठल निकाल देना है और आराम से धीरे धीरे पत्ते को निकालना है। इस तरह मैंने पत्ते निकालने हैं, जहाँ भी जॉइंट आ जाए वहाँ से आप हल्का सा इस तरह कटिंग कर लें और फिर आप पत्ता हटाएं। तो इस तरह आपके पत्ते आसानी से निकल जाएंगे। अभी हमने जो पत्ते निकाले हैं उनका साइज थोड़ा छोटा कर देंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह कटिंग कर ली है। जो हमने कटिंग की है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम काम में लेंगे। अभी हम इन सब में हल्का हल्का तेल लगा देंगे, इस तरह हल्का हल्का फैला देंगे अच्छे से। अच्छे से तेल लगा लिया है, जलाएंगे, कढ़ाई रखेंगे, चौथाई चम्मच तेल डालेंगे, जीरा और राई डालेंगे। गैस को मैंने कम कर रखा है। शिमला मिर्ची, प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे। गैस को कम कर देना है आपको ताकि ठंडा होकर नहीं आए। अभी हम हल्का सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बॉल में हमने पहले नमक डाला हुआ है। और चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गिर गई साइड में, सॉरी। अच्छे से नमक हल्दी में भून लेंगे। इससे हमारे अपम अच्छे बनते हैं, खुशबू अच्छी बनने रहती है। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, हल्का सा। अभी हम गैस बंद कर देंगे और जो हमने घोल तैयार किए हैं वो भी हमारे तैयार हो गए हैं, इन सब्जियों में डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। अभी हम किचन किंग डालेंगे। आप किचन किंग कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छे से मिला देना है। अभी इसमें मैं इनो डाल रही हूँ, चौथाई चम्मच। इनो को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे धीरे धीरे। अगर आपके पास में इनो नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी हम एक तवा लेंगे, अगर आपके पास में लोहे का तवा है तो आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं। और जो हमने सांचे बनाए हैं उनको इस तरह रख देंगे। लगभग एक चम्मच के ऊपर डालेंगे हम। एक एक चम्मच मैंने डाल लिए हैं गोल को और गैस शुरू किए हैं। लेकिन गैस को हम इस तरह फुल नहीं रखेंगे, मीडियम की तरफ रखेंगे। बिल्कुल कम भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं रखेंगे, मीडियम का रखना है। तवा रख देंगे और एक पतीला लेंगे। पतीले को ऊपर से इस तरह एकदम ढक्कन लगा देंगे। थाली से भी आप ढक्कन लगा सकते हैं। पूरी साइज़ का होना चाहिए इस तरह से, ताकि पूरा ढक्कन लग जाए, हवा बाहर नहीं आए। आप थाली भी लगा सकते हैं अगर
आप थाली लगाना चाहते हैं तो। जब तक हमारे अप्पम बन रहे हैं तो हम दूसरे तरीके से सांचे बना लेते हैं, तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर बिल्कुल नरम नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा टाइटनेस होना चाहिए, और अगर बिल्कुल हरे मिले तो और अच्छी बात है। इनको हम दो भागों में कटिंग करेंगे। अभी अंदर के जो बीज हैं वो निकाल देने हैं, एक साफ प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह मैंने टमाटर कटिंग करके और अंदर से बीज वगैरह निकाल दिए, लेकिन इनको फेंकना नहीं है, इनको भी हम काम में लेंगे। और आप तो एक बात का और ध्यान रखें कि जो मैंने ये कटिंग की है उसमें एक भाग तो इस तरह का होता है, वो तो इस तरह टिक जाता है, लेकिन जो दूसरा भाग होता है वो इस बराबर टिकेगा नहीं। तो आप हल्का सा छिलका छिलका हटाएं, बिल्कुल आर पार नहीं करें, हल्का सा इस तरह छिलका हटा लेना है ताकि ये तवे पे अच्छे से इस तरह टिक सके। ऐसे देखिए आराम से इस तरह टिक जाएगा, इस तरह से बराबर टिक जाते हैं। और उसके बाद में आपको एक कोई साफ कपड़ा लेना है, क्योंकि टमाटर में पानी होता है तो अंदर का जो पानी है वो पोंछ देना है, इस तरह सुखा देना है, और इस तरह उल्टा रख देंगे ताकि जो भी पानी है वो निकल जाएगा। आपको दो विधि इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी टमाटर नहीं मिलते, कभी पत्ता गोभी नहीं मिलती, तो अगर आपको एक चीज़ मिल जाए तो उससे आप बना सकते हैं। अच्छे से पानी सुखा देना है, कपड़े से उल्टा रख देंगे जिससे जो पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगा। उल्टा रख देना है। अपने जो अपन चढ़ा रखे हैं उनको चेक करेंगे, कपड़े की सहायता से आप पतीला हटाएं। ये देखिए ऊपर की परत तैयार हो गई है, हल्का हल्का हम तेल लगा देंगे। और इस तरह धीरे धीरे चम्मच की सहायता से पलटेंगे। आराम से करना है क्योंकि गर्म हो है, हाथ नहीं जलना चाहिए, इस तरह पलट देना है। गैस को फुल नहीं करना आपको। अच्छे से पलटने के बाद में हम तवे पे ही सीधा इस तरह डाल लेंगे, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो बन चुकी है तो। लेकिन गैस को हमें कम ही रखना है, जो हमारे पत्ते हैं वो साइड में रखते जाएंगे। और इस तरह गैस को बिल्कुल कम कर रखा है मैंने। हल्का हल्का तेल लगा देंगे, तो उसे भी डाल देंगे। और पलट के दोनों तरफ से हम तवे पे सेक लेंगे ताकि अच्छे से सेक जाए, कच्चा नहीं रहे। अच्छे से सिक गए हैं, अभी हम हटा लेंगे। ये देखिए अच्छे बने हैं, क्योंकि बगैर सांचे के इसलिए बिल्कुल वैसी शेप नहीं आती, लेकिन ये अपम बन जाते हैं इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो। लेकिन कम आंच में ही आप तवे पे सेके। मैंने गैस बंद कर रखा है, तवा रख देंगे, और जो हमारे टमाटर है इनमें हम तेल लगाएंगे और तवे पे रखते जाएंगे। अभी मैंने टमाटर रख दिए हैं, इसमें हमने जो घोल बना है वो डाल देंगे, जितना आएगा उस हिसाब से डालते जाएंगे।
घोल डाल दिया है, ऊपर से हम पतीला रख देंगे, गैस जलाएंगे, गैस को मीडियम की तरफ ही रखना है। ये मैंने लोहे की तवे पे भी अपम बना रही हूँ, तो इस पर इस तरह ढक्कन लगा देंगे। मैंने पतीला हटाया है, हल्का हल्का ऊपर से तेल लगा देंगे ताकि फर्श अच्छे से तैयार हो जाए। वापस एक बार ढक्कन लगा देंगे। मैंने पतीला हटा दिया है, ऊपर की फर्श हमारी देखिए तैयार हो गई है बिल्कुल अच्छे से, और गैस मैंने बिल्कुल कम कर रखा है। और ये मैंने जो लोहे के तवे पर रख रखे हैं ये भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये भी परत अच्छे से बन गई है। इन पे हम तेल लगा देंगे, अगर सब्जियां थोड़ी कम होती तो और ज़्यादा अच्छे बनते, तो आप ध्यान रखें सब्जियां थोड़ी कम रखें, अगर सब्जियां ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ी सूजी और दही डाल लें और ऊपर से इस तरह तेल लगा दें और बना के थोड़ा थोड़ा इस तरह हाथों से आकार दे दें तो अच्छे बन जाएंगे, इस तरह पलट देंगे। ये मैंने लोहे के तवे पर आपको बताया है ताकि आपके अगर पास में अगर लोहे का तवा है तो उस पर भी आप बना सकते हैं। ढक्कन लगा देंगे और ये जो टमाटर वाला है उसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर हम सांचे से बाहर निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। थोड़े ठंडे हो गए हैं तो इनको इस तरह उल्टा कर लेंगे और टमाटर हटा देंगे। आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से मैंने सांचे से निकाल लिए हैं और गैस को मीडियम रखना है, इस तरह फुल नहीं करना, मीडियम की तरफ रखेंगे और इस तरह तवा वापस रख के ऊपर तेल लगा देंगे। हल्का हल्का तेल लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा लगाएंगे बस। और दोनों तरफ से तवे पे सीधा ही सेक लेंगे। लोहे के तवे पे रखे हैं उनको भी हम इस तरह निकाल देंगे। आप थोड़ी सब्जियां कम रखें, इतना ज़रूर ध्यान रखें गोल बनाते समय। हल्का हल्का तेल लगा देंगे, गैस को बिल्कुल कम रखना है। इस तरह हमारे अप्पे तैयार हैं। और ये पत्ता गोभी में बनाए हैं, ये टमाटर में बनाए हैं, और टमाटर जो था मेरे इस तरह का था बिल्कुल, अगर हरा मिले तो और अच्छा है, और ये हरा लाल मिक्स मिला था, और इस तरह का नरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट इस तरह का जो मैंने लिए हैं इस तरह का टमाटर होना चाहिए तो आपका सांचा अच्छे से बन जाएगा। तो मैंने ये दो तरीके से आपको बता दिए हैं। इसके बाद में जो हमारी पत्ता गोभी है जो हमने कटिंग की थी वो हमने रखी थी, उसको हम किस तरह काम में लेंगे ये बताने वाली हूँ, और बाकी का जो फूल बच गए हैं उसकी आप सब्जी बना सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे टमाटर हैं उनको भी हम इस तरह के जो परत नीचे की है वो तो हटा देंगे, जला हुआ भाग बिल्कुल निकाल देंगे। और जो छिलका है वो भी हटा देंगे टमाटर का, अच्छे से हट जाएगा। मैंने टमाटर का छिलका हटा के और कटिंग कर लिया है, जो जल गया था भाग उसको निकाल दिया है। और ये देखिए पहले ये टमाटर हरा था और पकने के बाद में ललाई आ गई है, पूरा पका हुआ टमाटर बन गया है। और जो हमारे पत्ता गोभी उसको भी थोड़ी बारीक कटिंग कर ली है। और ये मैंने कुछ धनिया लिए हैं पत्ते, और ये मैंने लहसुन लिए है, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप लहसुन नहीं लें।
और ये जो हमने टमाटर अंदर से बीज वगैरह निकाले थे वो लिए हैं साथ में। नमक लेंगे, लाल मिर्ची पाउडर लेंगे और काला नमक लेंगे। और मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही, अगर आप हरी मिर्ची डाल रहे हैं तो लाल मिर्ची थोड़ा कम डाल सकते हैं। लेंगे और इसमें ये सब सामान इसमें डाल लेंगे, लहसुन वगैरह। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। चौथाई चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्ची डाल रही हूँ। अभी हल्का सा पानी डालेंगे। एकदम बारीक पीस लिए हैं। ये इस तरह हमारी चटनी तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो छौंका लगा सकते हैं हल्का सा, नहीं तो आप ऐसे ही कच्ची चटनी खाते हैं तो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह हमारे बच्चे जो पत्ता गोभी वगैरह टमाटर थे उनसे चटनी तैयार हो गई है। इस तरह से आपके बगैर सांचे के अपम तैयार हैं और चटनी के साथ में। और आप बनाते समय इतना ध्यान रखें कि आप सब्जियां थोड़ी कम रखें और सूजी ज़्यादा रखें, तो उससे आपके अपम अच्छे बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।